तो यहाँ पे जो है अब मेरी वीडियो का ये जो टॉपिक है वो खत्म हुआ, और यहाँ पे आपसे एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो है ना मेरे काफ़ी बहन भाई थे कि आप कुकिंग ना किया करो, आप ब्लॉगिंग किया करो, पर काफ़ी बहन भाइयों को मैं कह भी चुका हूँ और काफ़ी बहन भाइयों को कहता भी हूँ कि कुकिंग जो मेरा पैशन है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। इन तो जो मेरे ब्लॉगिंग वाले जो है बहन भाई जो मेरी ब्लॉगिंग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, उनके लिए जो है मैंने एक अलहदा चैनल बनाया है ब्लॉगिंग का चैनल, इंशाल्लाह उस पर जो है मैं कोशिश किया करूँगा, उस पर मैं डेली से डेली जो है ना आपके लिए मैं नए से नए ब्लॉग लेके हाजिर हूँ। तो उस चैनल का नाम जो है छोटे की दुनिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? जहाँ भी रहें खुश हैं आबाद हैं। तो बहनों, ये आज की वीडियो का आगाज करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत फरमान से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज पढ़ी उसने कुफर किया। तो बहन भाइयों, आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक रेसिपी और बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी और एकदम बेकमाल बेमिसाल रेसिपी, इसका टेस्ट एकदम यूनिक है और चीज़ लवर को तो खास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे जो है अब मेरी वीडियो का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ, और यहाँ पे आपसे एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो है ना मेरे काफ़ी बहन भाई थे कि आप कुकिंग ना किया करो, आप ब्लॉगिंग किया करो, पर काफ़ी बहन भाइयों को मैं कह भी चुका हूँ और काफ़ी बहन भाइयों को कहता भी हूँ कि कुकिंग जो मेरा पैशन है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। इन तो जो मेरे ब्लॉगिंग वाले जो है बहन भाई जो मेरी ब्लॉगिंग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, उनके लिए जो है मैंने एक अलहदा चैनल बनाया है ब्लॉगिंग का चैनल, इंशाल्लाह उस पर जो है मैं कोशिश किया करूँगा, उस पर मैं डेली से डेली जो है ना आपके लिए मैं नए से नए ब्लॉग लेके हाजिर हूँ। तो उस चैनल का नाम जो है छोटे की दुनिया है, उसका आपने जो है कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई देना है। उसमें आज मैं ब्लॉग अपलोड करूंगा, आपने जाकर उस पर रिप्लाई देना है कि अगर आपको ये नाम अच्छा लगता है, या फिर आप कमेंट में कह सकते हैं कि जो है ना मैं अपने चैनल का नाम क्या रखूँ, आपने ज़रूर बताना है और जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बहन भाई, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ, आपके लिए एकदम बेकमाल बेमिसाल स्नैक टाइम, हेल्दी टाइम, जब आपका थोड़ी सी भूख लगे और आपका कुछ हैवी खाने को दिल ना करे तो ये ज़रूर बना के खाइएगा। इंशाल्लाह आपको जो है बहुत ही मज़े का लगेगा और इजी भी है, बनाना भी आसान है, और टी टाइम और स्नैक जो है आपके बेहतरीन बन जाएंगे। तो अभी जो हम बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, एक पाव हमने चिकन लिया है, यहाँ पे चिली सॉस लिया है, विनीगर लिया है, सोया सॉस लिया है, और साथ में यहाँ पे मसालों के अंदर जो आप देख सकते हैं, हाफ टेबल स्पून जो है हमने इसके अंदर जरा मिर्च, हाफ टेबल स्पून जो है हमने सूखा धनिया, और जो है जीरे का मिक्स पाउडर पीसा हुआ, और यहाँ पे जो है टी स्पून हमने सॉल्ट लिया है, टी स्पून हमने मेरा होम मेड अनमोल गर्म मसाला लिया है, टी स्पून हमने काली मिर्च लिया है, 2 पिंच के बराबर जो है हमने रेड चिली ली है पीसी हुई, और यहाँ पे 2 पिंच जो है ना हमने टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी ली है। तो अभी जो है हमें इसका मेन आसान प्रोसेस है, हमने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए तमाम मसाले जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। अभी जो है हम 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सोया सॉस हम डालते हैं जी। माशाल्लाह ये इतनी जो है ना कमाल की और इतनी यूनिक की वजह है, और ख़ास तौर पे जो है बच्चों को बहुत पसंद आती है, और जो चीज़ लवर है उसकी तो ये जान ही होगी। तो अभी जो है हम सबसे पहले इसको मैरिनेट करते हैं, मतलब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इसको जो है अब हम आधा घंटा जो है रेस्ट पे देंगे, ताकि जो है इसके अच्छी तरह से स्पाइसी लग जाए। आप अपने बच्चों को जो है लंच बॉक्स के अंदर डाल के दें, टी टाइम के लिए बनाएं, स्नैक्स के लिए जो है ना बहुत अच्छे हैं, और चीज़ लवर्स के लिए भी जो है ना उनकी जान है। तो अभी जो हम इसको आधा घंटा रेस्ट पे देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि जो है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाफ आवर जो है हमारे जो है चिकन को मैरिनेशन प्रोसेस पे जो है कम्प्लीट हो गया। फ्राई पैन जो हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया, 1 टेबल स्पून ऑयल इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। तो अभी जो है हम अपने चिकन को अच्छी तरह से कुक करेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। तो बहन भैया, आपने जो है इसको लो फ्लेम पे जो है ना अच्छी तरह से आपने इसको कुक कर लेना है। तो ये जो है ना मेरी इतनी कमाल की रेसिपी थी, मैंने एक बार जब नागे खाया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ना मैंने ना कहा था कि अपने प्यारे बहन भाइयों को ये रेसिपी जरूर दूंगा, पर जो है ना इतना टाइम नहीं मिला। तो आज जो मुझे टाइम मिला तो सोचा कि जो है ना अपने बहन भाइयों को जो है ना ये रेसिपी बना के ट्राई ज़रूर कराई जाए, ताकि वो भी जो ट्राई करें उनको भी अच्छी लगे, और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा होता है।
तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहन भाई, और बोटी जो है हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब जो है हम इसको बोटी को चीज़ बोटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है वो भी आपको, चीज़ के साथ इसको कैसे बेक करना वो भी आपको बताते हैं। हमारी जो बोटी का जो है पानी छोड़ के अच्छी तरह से ड्राई हो गई है, तो अभी जो हम अपने चिकन मतलब हमारा रेडी है, इसको नीचे उतार के जो है उसको ठंडा कर लेते हैं। तो बहन भाई पतीले के अंदर जो है मैंने नमक की लेयर लगा के स्टैंड रख के जो है ऊपर मैंने अपना पतीला रख लिया प्री हीट होने के लिए। अभी जो है नेक्स्ट चीज़ प्रोसेस क्या है वो भी आपको बताते हैं। चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया। यहाँ पर जो हमने एक पराठ टाइप प्लेट ले लिया, इसके अंदर जो हम अपने चिकन को जो है ना अच्छी तरह से सेट करके रख देते हैं। यूं जो है हमने अपने चिकन को सेट करके रख लेना है। यहाँ पे जो है हमने एक चीज़ का पैकेट लिया, स्लाइस चीज़ का पैकेट लिया, इसको जो है हम खोलते हैं और चीज़ कैसे लगानी है उस प्रोसेस को भी आपके सामने जो है करके दिखाते हैं इंशाल्लाह। चीज़ को जो है हमने पैकेट से निकाल लिया। आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास स्लाइस पड़ी हुई थी तो मैं स्लाइस चीज़ यूज़ कर रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ जो है आपने एक स्लाइस ले लेना चीज़ का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और यूँ जो है आपने चिकन के ऊपर ऐसे लगा देना है। एक और पीस लेते हैं। यहाँ पे जो एक स्लाइस और जो मैंने चीज़ का ले लिया, इसको कटिंग करके जो है मतलब साइड से भी जो है इसको कवर कर देते हैं जी। बिस्मिल्लाह। और ये जो है ना चीज़ लवर के लिए स्पेशल है, और ये इतना यूनिक जो है बनता है। और चीज़ देखें हमारी जो सारी कवर हो गई है, और हमारा जो है पतीला प्री हीट हो गया है जिसके अंदर हमने इसको बेक करना है। तो अभी जो है हम इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। माशाल्लाह चूल्हा जो है हमारा ज़्यादा ही गर्म हो गया। अभी जो है हमने बेक करने के लिए जो है चिकन चीज़ को अंदर रख दिया है, तो अभी जो है हम 5 से 10 मिनट के लिए जो लो फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह से बेक करें जी। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे जो है हमारी चिकन चीज़ बोटी जो है रेडी है, डिश आउट भी हो चुकी है, और माशाल्लाह जो है कितनी जमी जमी लग रही है। अभी जो है कैचअप से जो है इसको और जो है ना मज़ीद इसकी जो है खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी जो है इसको मतलब डेकोरेट करके जो है अपने पापा को सर्व करते हैं जी। वो टेस्ट करके बताएंगे कैसी बनी है। और यूँ जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूँ जो है हमारी माशाल्लाह चीज़ बोटी जो है रेडी है स्पेशली चीज़ लवर्स के लिए। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, टी टाइम स्नैक्स के लिए बहुत ही जो है ना बेस्ट है। तो अभी जाके जो पापा को टेस्ट करवाते हैं जी। बहन भाई और मिलिए मेरे पापा से। ये है मेरे पापा, तो रिसेंटली ये दुबई से आए हैं। आपने एक वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर मैंने कहा था कि मेरे मामा के लिए जो है ना सोने का गिफ्ट कहाँ से आया, तो वो पापा लाए थे। तो मेरे पापा जो है बहुत ही जो है ना अच्छी नेचर के, दिल के बहुत अच्छे हैं, और एक दूसरे के अंदर जो अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं, फ्रेंडली माहौल है जी। पापा जी मिलिए मेरे बहन भाइयों से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है सब बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बेटे की वीडियोस को वॉच करते हैं, देखते हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। तो पापा ये मैंने आपके लिए एक रेसिपी बनाई है, तो ये ट्राई करके बताएं ये कैसी है। इस रेसिपी का नाम जो है चिकन चीज़ बोटी है जी। जी पापा कैसी बनी है? माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी है रेसिपी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है ना ये रेसिपी मेरी बेटी ने बनाई है। तो सब भाई बहन भाइयों से गुजारिश है कि मेरी बेटी की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पसंद करें, और दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बताएँ रेसिपी के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे जब मैं वीडियो का एंड करता हूँ, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलता हूँ कोई नेक्स्ट स्पेशल अच्छी सी वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान।